Hey guys, what's up? So today we shall discuss about the SSC revised annual calendar of the examination. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि annual calendar है जो SSC का revised annual calendar है वो यहाँ पे release किया जा चुका है SSC की website पे. तो SSC की website पे आपको जाना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ssc.nic.in. तो उसके बाद यहाँ पे revised annual calendar of the examinations पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो exam का शेड्यूल है वो ओपन हो जाएगा कि क्या यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले 2017 के एग्जाम है वो तो सारे के सारे मतलब कंडक्ट किए जा चुके हैं. ये 18-19 का कैलेंडर है अगर देखा जाए तो 18-19 का कोई भी एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं होता. CAPF से डिले होने लगे थे एग्जाम. एक्चुअली जो न्यू कंपनी है वो टेंडर ले रही है इसका तो वही कंडक्ट करवाएगी एग्जाम. तो इसीलिए ये एग्जाम सारे डिले हो रहे हैं. तो अभी हर एग्जाम को आप डिले करके चल सकते हो. एटलीस्ट 2-2 months के लिए डिले किए जाएंगे. तो यहाँ पे जैसे CHSL का Tier 2 है तो ये डिस्क्रिप्शन एग्जाम है. वो सारे जो डिस्क्रिप्शन रिटन एग्जाम अभी जो होंगे तो यहाँ पे मेंशन है जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है अगर क्या रिटन एग्जाम है. तो जो रिटन एग्जाम है वो तो सारे जो कंडक्ट करवा रहा है SSC. और इसके अलावा अगर आप सेकंड अदर एग्जाम देखें जो भी कंप्यूटर बेस्ड सारे एग्जाम है उसमें सभी में आप देख सकते हो यहाँ पे टू बी नोटिफाई लेटर. तो कोई डेट तो नहीं दी गई है यहाँ पे कब कब कंडक्ट होगा क्योंकि न्यू कंपनी टेंडर लेगी तो वो पेपर बनाएगी डेफिनेटली है. एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने तो लगेंगे ही डिले होते होते. तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कि क्या क्या है. वैसे इसमें देखने में कुछ नहीं है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सारे हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली डिले होंगे ही होंगे. और ये सारे एग्जाम डिले हो रहे हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वही यहाँ पे एक दो पेपर है डिस्क्रिप्टिव पेपर. CHSL का Tier 3 है और इसके अलावा CHSL का Tier 2 है जो कि 15 अगस्त को जो कि कंडक्ट होने वाला है. 15 अगस्त को जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा. इसका इसका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और ये एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे. जो मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है वही कंडक्ट करवाए जाएंगे. जो ऑब्जेक्टिव पेपर सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे. यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह सारे कंडक्ट करवा दिए जाएंगे. तो यहाँ पे सारा टू बी नोटिफाइड लेटर है फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे. तो मेनली इन्फॉर्मेशन ये थी कि न्यू एग्जामिनेशन कैलेंडर तो बता दिया है पर कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए. अभी एक कैलेंडर और यहाँ पे रिलीज होगा उसमें पता लगेगा कि नोटिफिकेशन के साथ साथ. तो क्या एक कैलेंडर जो न्यू कंप्यूटर बेस्ड जैसे टेंडर ले लेगी न्यू कंपनी तब वो डिज़ाइन जब पेपर सारे डिज़ाइन हो जाएंगे स्टार्ट हो जाएगा एक बार एग्ज़ाम होना. तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक सितंबर अक्टूबर तक ही स्टार्ट होंगे जाके एग्ज़ाम होने. तो SSC की मेन इन्फॉर्मेशन यही थी. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि जो भी फ्रेंड्स प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी SSC के लिए उनको दोबारा से टाइम मिला है. एक बार इतना टाइम नहीं मिलता कभी भी. तो ऑलरेडी अगर पहले देखा जाए तो जून में ये अगर देखा जाए जून में CAPF का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता था. और सेकंड एग्ज़ाम अगर हम यहाँ पे CGL का देखें तो वो भी अगस्त के लिए अगस्त में जैसे कंडक्ट हो ही जाता था. अगस्त में जुलाई के एंड से अगस्त में कंडक्ट हो जाता था. तो अभी फर्स्ट टाइम है ये ऑप्शन मिला है. तो इस चीज़ का अगर बेनिफिट तो मिलेगा ही हर पर्सन को तो ले ही लेना चाहिए. तो फ्रेंड्स मेन पॉइंट इसमें इतना ही है. बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. सो हैव ए गुड डे.